और जहां आने की बात होगी ना, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। और आप लोग कहां थे, कहां खोए हुए थे? माँ बाबा है ना आप लोग उसके? तब फोन किया मैंने और आप लोग अब आ रहे हैं? हाँ, तब आपको अनी का ख्याल नहीं आया? और शुरुआत में तो आप लोगों में से किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था ना। मुझे ताने कस रहे थे आप लोग, क्यों विपाशा? तुम्हें क्या लगा मुझे फोन पर सुनाई नहीं दे रहा था? बकवास बंद करो और बताओ अनिरुद्ध कैसा है। और आज जहां छोटौन अपना दर्द, अपना भड़ास उन सब के सामने निकाल रहा है, पर ये तो पत्थर दिल इंसान निकले, इनके लिए तो सब कुछ पैसा है। आप लोगों की बातें सुनकर ना बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। वहीं अब आदित्य भी चौंकता है इनकी व्यवहार से। आपके बेटे की हालत क्रिटिकल है, मैं एक बाहर का इंसान यहाँ पर खड़ा है उसके लिए परेशान हो रहा है और आप लोग तो बड़े चिल मूड में दिखाई दे रहे हो। और अब तो आदित्य की दखल अंदाजी कैसे बर्दाश्त होगा इनको, जिनको अपने ही परिवार वाले की इज्जत नहीं। ये होता कौन है इनके मामलों में बोलने वाला, पर इन्हें क्या पता आदित्य कपूर क्या चीज है। बहुत ही अजीब सी बात है, स्ट्रेंज। तुम जैसा मशहूर सेलिब्रिटी यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम अकेले क्यों हो? हाँ, हमने सुना था तुम उस लड़की के साथ रह रहे थे। काश अगर ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी जी लेता। और आज ऐसा तमाचा मारा है बोस परिवार के सदस्यों को आदित्य ने कि उनके पास अब शब्द ही नहीं। एनीवेज, आप लोगों को कोई भी बात एक्सप्लेन करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। इस वक्त आपके बेटे की तबीयत खराब है, अगर आप लोगों को जरा भी इम्पोर्टेंट लगता है तो जाइए और जाकर डॉक्टर से बात कीजिए। कितना अहंकार है इस बाप को कि आज किसी के सामने भी झुकना नहीं चाहता। और ऐसी माँ जिसे अब तक बेटे की सलामती से ज्यादा अपनी भड़ास और अमीरी की शान दिखानी है। वैसे अनी की ऑफिस से भी कुछ लोग आए हुए हैं। अनी के माँ बाबा आ गए हैं कुछ पेपर साइन करवाने, शायद ऑपरेशन से पहले, डॉक्टर्स कह रहे थे। यस एलेक्टिनो, ऑपरेशन। हम अनी को किसी बड़े और बेटर हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? तनुजा, रोना बंद करो। देखो, मैं चाहूँ तो अनी को किसी भी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी हालत शिफ्ट करने की है या नहीं। और अब यहाँ हॉस्पिटल में भी खड़े होकर शुभो की बोली बातों से पैसों की बू आ रही है। पर क्या शुभो को नहीं पता कि इस वक्त उसके तिजोरी में रखे पैसे नहीं, इस वक्त तो प्रार्थनाएं और ममता काम आएगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल तो है, पर इसमें भी कहीं ना कहीं दुआएं ज्यादा काम तो आती है। और तभी छोटौन, छोटौन, क्या हुआ अनिको, कहाँ है वो? मुझे उसे देखना, एक बार उससे मिला तो, सिर्फ एक बार। दादा दादा दादा, ये क्या बिहेवियर है? संभालिए अपने आप को, ये हॉस्पिटल है, अनिरुद्ध की तबीयत ठीक नहीं है, सर्जरी करनी पड़ेगी। और ये हॉस्पिटल जो कह रहा है ना, ये इलाज नहीं कर पाएगा, इनसे तो मैं निपट लूंगा। और जरूरत पड़ेगी तो अपने बेटे को एयर एम्बुलेंस से किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दूंगा। आप लोगों के शहर में तो नहीं रहता हूं मैं, लेकिन इस जगह के बारे में काफी रिव्यूज सुने हैं मैंने। यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, और अगर आप लोग इस कंडीशन में डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट जाकर अगर अनिरुद्ध को शिफ्ट करते हैं, बीच में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। और अब ये आदित्य की सलाह को कौन सुनेगा? यहाँ तो ये लोग अपनी ही हस्ती दिखाने पर तुले हुए हैं, अपना बड़प्पन जो जताना है इन्हें। आप लोग वो हालात को संभाल पाएंगे? सुनो, तुम होगे कहीं के स्टार, मेरे बेटे का मामला है, आई कैन डील विद इट। आपका बेटा, सही कह रहे हैं। कभी समझने की कोशिश की अपने बेटे को? कभी जानने की कोशिश की कि उसका दिल क्या चाहता है? क्या चाहिए उसे? नहीं, इतने सालों में नहीं समझ पाए आप लोग। और आज एक भाई दूसरे भाई से सवाल कर रहा है बेझिझक, क्योंकि उसे जो गुनाह नजर आता है वो इन्हें समझ नहीं आती। इन लोगों ने कभी भी इंसान को इंसान नहीं समझा, पर फिजूल के पैसे इकट्ठे करते करते
पैसों में ही तोलते चले गए हर एक रिश्ते को। पर अब जब झनक आएगी तो इनको उसका भी सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब बुराई ज्यादा पनप नहीं पाएगी। हिसाब तो अच्छाई लेती है कभी ना कभी बुराई पर। वो रो रही है। कौन रो रही है? मेरी वाइफ झनक राणा। झनक कहाँ है? पेशेंट अपनी सेंसेस में वापस आ गए हैं, वो अपनी वाइफ झनक को ढूंढ रहे हैं। फूल मुझे इनके माथे पे छुआने, मैं विनती करती हूँ, तुम मेरे बेटे के पास अंदर नहीं जाओगी, निकल जाओ यहाँ से। जनक, जनक। हटो, सामने से हटो। देखते रहिए आगे भी क्या होता है, जहाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।